तो इंडिया गठबंधन का दूसरा नामांकन हो चुका है और हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी महाबल मिश्रा साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि अभी यहाँ पर किसकी लहर? लहर तो आप उन्हें नॉमिनेशन में जिन लोगों की उपस्थिति थी, इंडिया गठबंधन के जितने विचारधारा के लोग हैं सारा यहाँ उपस्थित था। उसमें जो जोश दिखाई दे रहा था वो अपने आप साबित किया, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट महाबल मिश्रा झाड़ू छाप से यहाँ जीतेगा और सातों सीट जीतेगा, एक नहीं दिल्ली की सातों सीट, तीन कांग्रेस का, चार आम आदमी का जीतेगा। तो आप कह रहे हैं कि सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन के नाम? बिल्कुल, सातों के साथ इंडिया गठबंधन के नाम। ठीक है, तो आप अगर जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो वहाँ पर अगर हम 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 60% बनाम 17%, यानी कि बीजेपी को 60% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी आपका को 17। थोड़ा गलत क्वेश्चन गलत हो गया जी, बताइए। उस समय आम आदमी और कांग्रेस अलग अलग लड़ा था, अब वो कंबाइंड हो गया तो दोनों वोट को जोड़िए। अब रहा 2020 में आप चुनाव देखिए, 10 MLA यहाँ जीता और सिर्फ आम आदमी का वोट देखिए तो बीजेपी से 251,000 का अंतर है, 28 काउंसिलर जीता है। तो समय होता है, एक समय था जो पार्लियामेंट में बीजेपी का दो ही सीट था, तो समय था। तो बात ऐसी है, परिस्थिति और समय बदलने पर वोट बदलता है। तो 2020 में MLA का चुनाव हुआ तो आज 62 MLA है। तो पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समय आ गया है? पश्चिमी दिल्ली नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी का समय और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का आ गया है। ठीक है, अभी चुनाव चल रहे हैं और उससे कुछ ही दिन, चंद दिन पहले ही दिल्ली के CM को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस पर आप क्या कहें? जनता में इस बात की बहुत रोष है और जनता दुखी है। जो पब्लिक हित की बात जो करता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ फ्री, महिलाओं को बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक द्वारा जो स्वास्थ्य लाभ होता है, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, वो बीजेपी को नहीं सुहाया। और बड़े बड़े धन्ना सेठ को जो लोन माफ़ किया वो रेवरी नहीं है, और जनता की जो सेवा के रूप में, भावना के रूप में जो किया मदद, वो रेवरी है। तो जनता इस अपमान का जवाब वोट से देगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी बीजेपी में अभी प्रवेश वर्मा को का टिकट काट करके किसी और कैंडिडेट को यहाँ पर उतार दिया गया है, उनसे आपका कितना कॉम्पिटिशन देख रहे हैं आप? भाई बीजेपी 6 टिकट काटा है, तो बीजेपी अपने आप पहला स्टेप में साबित कर दिया, जो हमारा जितने भी सांसद था वो निकम्मा था, पब्लिक में नहीं गया, विकास नहीं किया। तो निकम्मा था तो दो बार थोड़ी जीतेंगे, प्रवेश वर्मा लगातार यहाँ से दो बार जीते हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ से लगातार दो बार जीते हैं। देखिए मैं नहीं, पार्टी ने टिकट काटा है, किसी का व्यक्तिगत मैं नहीं करता हूँ, 6 टिकट काटा है। तो 6 टिकट जो काटा है, पार्टी ने टिकट काटा है तो पार्टी ने सोच के काटा है, जो पब्लिक हित के काम नहीं किया होगा या जनता में नहीं गया होगा तो वो पार्टी से पूछिए। लेकिन 6 टिकट काट के जनता को ये महसूस हुआ है, जो 6 टिकट जो काटा है पार्टी अपने आप महसूस किया जो ये कैंडिडेट ठीक नहीं था। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में सातों की सातों सीट पर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी।